इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता ही है, लेकिन मैच मेरे हिसाब से तो मैच एक तरफा मैच होना चाहिए और इंडिया उसमें प्लस रहेगी। शमी से आपकी बात हुई क्या है? बस देखिए वो भी जैसे हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो लोग इतने बोले तो नॉर्मल मैच की तरह लेते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का रहता है, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का मैच को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे कि भाई बहुत बड़ा मैच है या वो है, लेकिन बहुत दिनों बाद मैच हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ये एक्साइटेड हैं कि भाई अच्छा मैच होगा और बहुत ज़्यादा लोग इससे देखने के लिए लालू हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान से मैच हो रहा है। तो क्या लगता है शमी से कितनी एक्सपेक्टेशन है और किस प्लेयर से कितना कितना एक्सपेक्टेशन आप लगता है आपको? देखिए हमारी जो बॉलिंग साइड है इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग साइड है, क्योंकि आप फास्ट बॉलर देख लीजिए या फिर स्पिनर देख लीजिए, तो शमी जैसा अभी तक उनने दोनों मैचों में बहुत बॉल अच्छा डाला है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो अच्छा बॉल डालेगा और उससे उम्मीद भी रहती है हमें कि नई बॉल से हमें विकेट दिलाए। और पाकिस्तान के पास दो एक बैट्समैन ऐसे हैं कि जो मैच चेंज कर सकते हैं, तो अगर हमें शुरू में ही उनके विकेट मिल जाते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग मैच जीत लेंगे। अच्छा, पूरी सीरीज़ को देख के क्या लगता है कि कहाँ फाइंड करते हैं इंडियन की टीम को? देखिए मेरे अपना वैसे तो इंडियन को सबको ये रहता है कि हमारी टीम जीतेगी, लेकिन बिल्कुल जो टीम इस टाइम खेल रही है ऐसी और कोई टीम मुझे नज़र भी नहीं आ रही कि जो वर्ल्ड कप जीत सके, क्योंकि और टीमें हैं तो बहुत नीचे हैं वो। देखिए क्रिकेट 2020 है, छोटे फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम ऊपर जा सकती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं इस हम अपने इंडिया के पास, तो उसको देखते हुए इंडिया की टीम के अलावा कोई भी और दावेदार मुझे मजबूत नहीं दिखाई दे रहा।